हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम लोग देखने वाले हैं मारुति सुजुकी पे रिसेंटली yeah, मैंने इसके तो थोड़े दो जोन्स बताए थे जिसमें स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस लिया है यहाँ पे जैसे इस जोन में काफ़ी दिनों से रहा है और फिर यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड लिया तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टॉक इसका ये अपसाइड जो है कब तक सस्टेन करने वाला है और अभी कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है स्टॉक का ठीक है तो पहले मैं आपको दिखा देता था कि मेरा लॉन्ग टर्म व्यू जो मैंने पहले से बहुत पहले से बना रखा है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कराया था कि ये ऐसा कुछ पैटर्न हैं जो मैं अभी मैं फिलहाल में फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे अगर हम लोग देखो तो यहाँ पे दो मैंने चैनल्स बना रखे हैं जो लॉन्ग टर्म चैनल है ये कब से फॉलो हो रहा है हमारा जुलाई दो हजार उन्नीस से फॉलो हो रहा है और ये दूसरा चैनल जो है मतलब कि इसका मतलब ये है जुलाई दो से फॉलो हो रहा है मतलब कि स्टॉक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर की जैसे काम कर रहा है ठीक है तो वैसे स्टॉक एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर तो है ही बट यहाँ पे स्टॉक एक अभी मतलब चैनल्स के हिसाब से चल रहा है मतलब कि टीए ए का फॉलो कर रहा है स्टॉक ठीक है उसके अलावा हम लोग शॉर्ट टर्म में देखते हैं इसका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है तो शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे स्टॉक काफी दिनों से एक अच्छे खासे अपट्रेंड में जाता है और फिर ये इस वाले जोन में रहता है मतलब जब कि जब कभी इससे थोड़ा सा बाहर निकल के फिर वापस से इस जोन में आ जाता है और इसमें रहता है ठीक है तो अभी हमको क्या करना है यहाँ पर फिलहाल में अभी स्टॉक यहाँ पे है इस वाले जोन में है और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है ये जो हमने लोगों ने ट्रेंडेंड बना रखी है यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ तक जा सकते हो तो हम लोग इसको देखते हैं मार्कअप कर लेते हैं कि ये इस लास्ट लास्ट यहाँ तक आया था और फिर यहाँ पे डाउन गया फिर यहाँ तक आया तो यहाँ पे हम लोग को उस वाले जोन में मेरे हिसाब से सल ऑफ कर देना चाहिए जो 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 भी जोन होगा यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है और कितना जा सकता है तो यहाँ पे अगर देख सकते हो तो यहाँ तक कम से कम और छः सात परसेंट का इसमें ग्रोथ होगा उसके बाद एक यहाँ पे कट होगा यहाँ पे अगर बट वो चीज़ भी डिपेंड करती है अगर वॉल्यूम्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए क्योंकि काफ़ी दो मतलब कम से कम तीन साल हो गए तीन साल अगर तीन साल की ट्रेंड को गए तो इसने तोड़ दिया मतलब वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए और मेरे हिसाब से करंटली वॉल्यूम्स है नहीं नॉर्थ ईस्टी में तो यहाँ पे आपको मेरे इस देखना चाहिए कि यहाँ पे कैसे आप इस वाले जोन में आके सेल ऑफ कर दूँ तो मैं बता देता तो हूँ कितना परसेंटेज होगा परसेंटेज के मामले देखें तो यहाँ पे सात परसेंट uh, तक का एक अपसाइड होगा आप रेगुलरली वॉच करना है कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है वहां तो अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे चला गया अभी यहाँ पे अगर हम लोग आर एस आई पे फोकस करें आर एस आई कैसे चल रहा है तो आर एस आई जो है काफी ऊपर है मतलब एक सेलिंग जोन होता है सेलिंग मतलब जोन होता है मतलब ओवर सेलिंग हो रही है ओवर बाइंग हो रही है यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो मेरे हिसाब से ऐसा वो सीन बनने वाला है 88 तक जाएगा स्टॉक और फिर जैसे अगर आपको हम लोग पहले के सीन्स बताओ जैसे यहाँ पे इस वाले जोन में कब कहाँ पे था स्टॉक जी इस वाला ये जब एक लास्ट बार पीक हुआ था सॉरी ये वाला अगर लास्ट बार पीक हुआ था तो इस वाले टाइम पे स्टॉक कहाँ पे था हाँ यहाँ पे अगर आपको देख रहे हो तो यहाँ पे सेवेंटी टू पे था और यहाँ पे अगर देखो तो इस टाइम पे कहाँ पे था स्टॉक सेवनटी सिक्स पे था यहाँ पे देखो फिर कहाँ पे था स्टॉक अराउंड सेवेंटी टू पे था तो मतलब कि ऑल एंड एवरेज सेवेंटी टू तक आर एस आई और जाएगा और फिर उस टाइम पे जाके आपको सेल ऑफ करना है मैं पर्सनली उस टाइम पे जाके अपना पूरा सिक्योर जितना भी पोर्टफोलियो है जितना भी पोर्टफोलियो जितने स्टॉक्स है सारे सेल ऑफ़ कर दूंगा मेरे तीन पोर्टफोलियो है तीनों पोर्टफोलियो में जितने मार्ग के स्टॉक्स है वो मैं सारे सेल ऑफ कर दूंगा तो दिस इज ऑल अबाउट अगर हम लोग का शॉर्ट टर्म ये लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम लोग शॉर्ट टर्म में अगर आपको देख रहे हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक थोड़ा सा बुलिश है यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक रिसेंटली एक रिसेंटली इसका कट ऑफ हुआ है नीचे से अपसाइड की तरफ तो एक स्टॉक अभी अपसाइड में जाएगा ऊपर से यहाँ पे रुकते का नाम ही भी लेना है क्योंकि ये दोनों एक अच्छे खास डिफरेंट मूव में जा रहे हैं अगर यहाँ जब मैंने बताया जब दोनों मतलब कि फिफ्टी टू हंड्रेड एम ए और ये जो फिफ्टी एम ए दोनों अलग अलग थोड़ा सा बहुत गैप हो उनमें डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा हो तो यूजअली ये क्या साइन करता है कि एक अच्छा खासा अपसाइड चल रहा है या फिर आने वाला है तो अभी तो ऐसे अपसाइड खत्म होने वाला है इसका क्योंकि ये वाला एक अच्छे खास कट ऑफ जोन में आने वाला है तो वहाँ तक जाने के बाद इसको अच्छे से और वैल्यूज जो होगी उस स्टॉक वहाँ पे स्टॉक की तो ये अराउंड जोन होगा नाइन फोर्ट नाइन हंड्रेड नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर वाला जोन होगा इसमें आपको जाके सेल ऑफ करना है ठीक है तो याद अच्छा आप यहाँ पे सेल ऑफ करें ना आपके ऊपर है अगर आपको होल्ड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हो तो बट मेरे हिसाब से अगर आपको पोजिशन वापस क्रिएट करनी है तो आप इस वाले जोन में वापस आ जाएगा स्टॉक वापस से अपनी पोजिशन क्रिएट कर लेना सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केट इफ यू लाइक दिस वीडियो डो हिट सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक दिस वीडियो थैंक यू